अब सबसे पहली बात उनके लिए जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ, माय नेम इज करण, आई मेक ग्रीन स्किन मीम्स ट्यूटोरियल वीडियोस। मेरी बनाई हुई सारी मीम्स आपको इंस्टा में मिल जाएगी, जाके मुझे फॉलो करो और इंस्टा में मीम के मजे लो। वैसे तो मेरी लिस्ट में बहुत सारी अचीवमेंट आ गई हैं, लेकिन उनमें से एक अचीवमेंट तो ये है, TVF ने मेरी बनाई हुई मीम रीपोस्ट करी। आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब ने TVF तक मेरी ये वीडियोस पहुंचाई है, एंड थैंक यू सो मच हु हैव हेल्प मी इन दिस मेमोरेबल मोमेंट। मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिलो एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन, आई गारंटी यू विल नॉट रिगेट इट। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ साइमन का वीडियो एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे प्रीसेट यूज़ करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, मोस्ट प्रोबेबली प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट ही यूज़ करता है। पहले मैंने बीवी की वीडियो एनालिसिस करी थी, जिसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करता है, क्या क्या की एलिमेंट यूज़ करता है, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, 7 frame theory। जिस तरीके से 7 frame theory उसकी थी, इसी तरीके से साइमन की अपनी एक थ्योरी है, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे इफेक्ट वो यूज़ करता है। फॉर दोज हु आर नॉट यूजिंग प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक कि मोबाइल एडिटर होगा या फिर फाइनल कट प्रो एडिटर होगा, उन पे भी ये सारे इफेक्ट यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे इफेक्ट बिल्कुल सिंपल हैं, और मैं आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपको हेल्प कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपनी साइमन की वीडियो को ब्रेक डाउन करने की तरफ। साइमन अपनी वीडियोस में ग्लिच इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और हाँ यूज़ करेगा भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस इफेक्ट भी है। ग्लिच इफेक्ट के प्रीसेट्स आपको यूट्यूब में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अपने लिए, लाइक कि फॉर मोबाइल एडिटर, फॉर फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो के ग्लिच इफेक्ट्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ग्लिच इफेक्ट का मैंने ग्रीन स्क्रीन तैयार करा है, जो कि आप मोबाइल या फिर किसी भी वीडियो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट में यूज़ कर रहे एक डायरेक्ट प्रीसेट, ये चेंज हुआ, ये सेकंड टाइप हो गया। अब ऑलरेडी ये ग्रीन स्क्रीन मैंने आपके लिए बना के रख रखी है, जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जिसपे सिर्फ आपको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज़ करना है, लाइक क्रोमा की इफेक्ट यूज़ करना है। आपको ये ग्रीन स्क्रीन मिलेगी cameraboys.in वेबसाइट पर, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक इफेक्ट है मैग्नीफायर, जिसको हर कोई यूज़ करता है, और ये मीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रीमियर प्रो के अंदर ऑलरेडी एक प्रीसेट है, जिसको मैंने सर्च करा यहाँ पे और यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा मैग्नीफायर का इफेक्ट। कंट्रोल पैनल पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यू हैव टू प्ले विद देम। ये सब कुछ हिट एंड ट्रायल है, आपको अपने आप समझ आ जाएंगे कैसे वर्क कर रहे हैं। अपनी वीडियोस के अंदर वो डिस्टॉर्टेड साउंड भी यूज़ करता है, उसके लिए मैं आपको लिंक दे देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, जिसको मैं कहता हूँ ट्रिगर डिस्टॉर्टेड साउंड। अब मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ जो अरे तू क्यों खुल गया, मेरे को नहीं चाहिए। एक इफेक्ट है ऑफसेट इफेक्ट, वो मैंने देखा है बहुत बार यूज करता है अपनी वीडियोस के अंदर, वो हमारे प्रीमियर प्रो में तो प्रीसेट है, उसको मैं बता देता हूँ वो एक्चुअली करता क्या है। वो आपकी वीडियोस को इस फ्रेम से लाके उस फ्रेम में, फिर इस फ्रेम से लाके उस फ्रेम में ले आता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल है यूट्यूब पर, उसका नाम है छोटू, इनका असली नाम शफीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या करा है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने देखे फ्रेम्स कितने यूज करे इसने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इफेक्ट देख रहा हूँ फ्रेम बाय फ्रेम कितना यूज हुआ है। जब मुझे फॉरवर्ड इफेक्ट समझ नहीं आता, तो मैं उसी इफेक्ट को बैकवर्ड लेके जाता हूँ। मतलब कि वीडियो अगर फॉरवर्ड में समझ नहीं आ रही है, तो उसको बैकवर्ड लेके जाओ, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। हो सकता है समझ आ जाए, हो सकता है फॉरवर्ड में ही समझ आ जाए, हो सकता है बैकवर्ड में समझ आ जाए, वो आपके ऊपर है। इस इफेक्ट को समझने के लिए मुझे वीडियो को बैकवर्ड लेके जाना पड़ा, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। साइमन ने यहाँ पे 12 फ्रेम्स का यूज़ करा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए मैंने क्या करा है। डायरेक्टली मैंने एक इफेक्ट यूज़ करा है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसको मैंने इस पे ड्रैग कर दिया इस PNG पे। अब दिखाता हूँ आपको क्या करा है मैंने। यहाँ पे मैंने फ्रेम बाय फ्रेम लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे फ्रेम्स हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेम बाय फ्रेम इसकी पोजीशन को ट्रैक करा है, इसी के ऊपर मैंने एक चीज को कॉपी कर दिया है। एग्जांपल दिखाता हूँ, अब ये बिल्कुल 100% तो नहीं है, लेकिन 99% बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैसा ही है। तो इस वक्त मैंने क्या करा है, फ्रेम बाय फ्रेम इसकी इमेज को ट्रैक करा है, और थोड़ा सा मोशन ब्लर डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम मैंने मैन्युअली इसको ट्रैक करा है, तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट हो गया रेडी, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने प्रीसेट सेव कर दिया है, आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएंगे। नो सॉरी उल्टा बोल गया, 450 million व्यूज। अब यहाँ पे आपने देखा एक ड्रामेटिक साउंड के साथ इसने एक इफेक्ट डाला है, ये इफेक्ट भी मैंने कॉपी करा है, दिखा तो कैसे 450 million व्यूज है। देखा कैसे हुआ, इसको कहते हैं जादू। एक्चुअली एक प्रीसेट किसी ने सेव करके रख रखा था, उसका नाम है चुंगडा, उसके पास बहुत सारे प्रीसेट्स है, वो हमेशा सेव करके रखता है, फ्री में देता रहता है। एक्चुअली एडिटिंग के लिए मैं किसी एक को फॉलो नहीं करता, सबको फॉलो करता रहता हूँ, तो मुझे किसी से कुछ मिल जाता, किसी से कुछ मिल जाता, उन सबको मिक्स करके आपके सामने एक प्रोडक्ट रख देता हूँ। अब ये जूम शेक इफेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ऊपर टक। इसमें क्या होता है, जूम शेक इफेक्ट में क्या होता है, देखा क्या हुआ,
अब ये इफेक्ट कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। इस इफेक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बस आपको लेयर के ऊपर दो लेयर कॉपी करनी है। एग्जाम्पल, ये रही आपकी पहली लेयर, ये रही आपकी दूसरी लेयर। तो पहली लेयर को सिंपल रखा नीचे और दूसरी लेयर को मैंने क्या करा है, नॉर्मल से स्क्रीन ब्लेंड कर दिया है ये रहा, और उस पर इफेक्ट डाल दिया और नीचे को सिंपल रख दिया है। बहुत इजी इफेक्ट है। आपको क्या करना है इसके अंदर, पहला स्टेप है आपको लेयर को कॉपी करना है, ठीक है, और दूसरा स्टेप है ऊपर वाली लेयर को आपको स्क्रीन मोड पर ब्लेंड करना है, और तीसरा स्टेप है आपको जूम शेक इफेक्ट डालना है। अब इस इफेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब अदर देन प्रीमियम प्रो यूजर्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा छोटा करना है आपकी इमेज को या फिर वीडियो को। 8 फ्रेम में ये पूरा का पूरा इफेक्ट वर्क कर चुका है। तो ये इफेक्ट कैसे होगा, चुंगदा के पास ब्लर शेक इफेक्ट है, इसको डायरेक्टली हमें इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हमारे टेक्स्ट लेयर पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, या किसी भी लेयर पे जिस पे भी आपको करना है। ये सिंपल इफेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इसके अंदर क्या हुआ है, डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। यहाँ पे आप सारे के सारे की फ्रेम देख सकते हैं, ये सारे के सारे की फ्रेम्स हैं। ये देखिए ब्लर लेंथ, यहाँ पे जो ब्लर लेंथ है ये चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको हर किसी में नंबर के साथ खेलना है। अगर आप नंबर और की फ्रेम के साथ खेलना समझ गए या की फ्रेम कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप इजीली कोई सा भी इफेक्ट खुद बना सकते हैं, कुछ भी नया इन्वेंशन कर सकते हैं। एक इफेक्ट शेक शेक इफेक्ट भी है, शेक शेक इफेक्ट मैं दिखा देता हूँ। यार मैं क्या उखाड़ लूंगा इसको रोस्ट करके। ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप प्रीसेट हैं, आप जाके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कहीं से लिए थे, वही YouTube में वीडियोस देखी और सर्च कर लिया, सब कुछ मिल गया। एक और इफेक्ट है जो मैंने देखा है उसकी वीडियोस के अंदर, वो है जिटर इफेक्ट। तो ये जिटर इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, इसके अंदर डायरेक्टली हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यूज़ करा है, जो पहले आपको मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमने स्क्यू एक्सिस चेंज करी है। स्क्यू एक्सिस यहाँ पे हमने 4 या 5 रख लो अपने हिसाब से। स्क्यू एक्चुअली एक एक्सिस होता है जो कि पैरेलल भी नहीं होता, परपेंडिकुलर भी नहीं होता। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्यू का कैसे चेंज हो रहा है एक्सिस, ये देखिए बबली बबली इफेक्ट आ गया, एक बबल टाइप से हो रहा है, बूब 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 बूब। यहाँ पे की फ्रेम सेट कर लो। अब बार बार मैं प्रीसेट्स का नाम ले रहा हूँ, तो प्रीसेट्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आप डायरेक्टली सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल प्रीमियर प्रो प्रीसेट्स, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। कोई सा भी ट्यूटोरियल देख लो, आप सीख जाओगे। अब एक इफेक्ट हो गया फ्लिकर इफेक्ट, जैसे कि ये, तो ये एक फ्लिक 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 इफेक्ट है जिसको आप यूज़ करके अपनी वीडियोस को इंटरैक्टिव बना सकते हो, लाइक कि साइमन अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस करी है, वो अपनी वीडियोस में इतना टाइम नहीं देता कि हम कुछ सोच पाए, लाइक एग्जांपल डोंट गेट मी रॉन्ग आई लाइक छोटू, मुझे छोटू की एक्टिंग पसंद आई। साउंड देख सकते हो यहाँ पे, साउंड वेव में बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल एक एक फ्रेम में बिल्कुल चेंज हुआ है, यानी कि 1 या 2 फ्रेम का भी गैप नहीं दिया है। तो इस वीडियो के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ा है हमारा, क्या हो रहा है आज। अब एक वीडियो ये रहा, एक वीडियो ये रहा, इन दोनों वीडियो के अंदर बिल्कुल गैप नहीं है। लाइक बीवी की वीडियो से मैंने आपको बताया था 7 फ्रेम का छोटा सा गैप है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कोई सा भी गैप नहीं है। एक्चुअली दिस वन इज़ गुड, क्योंकि अगर आप कोई से भी वीडियो बना रहे हो और वो वीडियो एडिटिंग रिलेटेड है, तो उसमें गैप नहीं देना चाहिए एज़ पर मी। लाइक मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। और साइमन की बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैं बहुत कुछ सीख भी गया, बहुत कुछ सिखा भी दिया। बस मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगी, बहुत कुछ सर्च करा, बहुत सारी रिसर्च करी सिर्फ आपके लिए। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किया भी है याद नहीं है, कल से याद रख लेना, बिकॉज़ आपने अपने रैग्स धोना है। सफाई नहीं की है, तो यूज तो नहीं किया है। पर अगर गैस का है सोनाली, देख है, स्मेल स्मेल तो है। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। आई कैन टेल यू व्हाट यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू और व्हाट यू डाइंग फॉर इट। गेट ऑफ माय बैक, करेक्ट।